कांग्रेस के कद्दावर नेता राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, तुरुप का पत्ता आखिर खेल ही दिया आप लोगों ने। इसके लिए मांग बहुत दिन से कार्यकर्ता कर रहे थे कि प्रियंका जी को लाने चाहिए, और राहुल जी ने कार्यकर्ताओं की इस मांग को सुना और उनको लेके आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका देश की राजनीति पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, दूरगामी असर पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका जी का राजनीति में प्रवेश पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करेगा। तो राहुल जी को इस फैसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज लगातार बीजेपी कह रही है कि राहुल जी से कांग्रेस संभालने वाला नहीं था, तो क्या आप लोगों ने उनकी बातों पे मुहर लगा दिया क्या? नहीं, राहुल जी को नहीं संभाला, राहुल जी उनको लाए हैं। राहुल जी ने तो कांग्रेस में देखिए सब पांच पांच स्टेट्स में जिताया उन्होंने, राहुल जी ने, राहुल जी से बिल्कुल संभल रही है, राहुल जी उनको लाए अपने सहयोग से कार्यकर्ताओं की मांग पर। ये तो राहुल जी का अपना निर्णय है। तो चुनाव क्या लड़ेंगे क्या प्रियंका जी? प्रियंका चुनाव लड़ने का निर्णय गांधी परिवार पर छोड़ देना चाहिए। चुनाव लड़ती कि नहीं छोड़ती वो फैसला वो स्वयं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी को तुरूप का पत्ता माना जा रहा है और उनकी सीधी एंट्री अब कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक रूप से कर दी गई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि रायबरेली सीट से लड़ती हैं सोनिया गांधी और सोनिया अभी बीमार चल रही हैं, इस लिहाज से उनकी अहम भूमिका हो सकती है 2019 के चुनाव में। चूंकि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है, इस लिहाज से चूंकि सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश से जाता है, बड़ी अहम भूमिका प्रियंका गांधी को दी गई है। मनीष ठाकुर, ईटीवी भारत, दिल्ली।